किसी भी तरह का एडिक्शन, कई से यहाँ पे कई बच्चे उनको पॉन एडिक्शन होगा, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन विदाउट एनी हार्ड वर्क, और अपना दिमाग बड़ा खुश होता है यार, बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि इस प्लेजर के लिए क्या लूज हो गया। ना प्लेजर के लिए नहीं पढ़ रहे हो, मजा मतलब प्लेजर, और प्लेजर अपनी तरफ बहुत तेज खींचता है। जिंदगी में आप अपने दिन भर में देखो, जो भी आप बुरे काम कर रहे हो दिन भर में, जो भी तुम बुरे काम कर रहे हो, समझ रहे हो मैं किस बुरे काम, मैं हर तरह के बुरे काम, जितना गंदा काम सोच सकते हो सोच लो अपने दिमाग में ना, तुम लोग सब बड़े हो गए हो, मैं भी बड़ा ही हूं, जितना गंदा काम तुम दिन भर में कर रहे हो, जितने भी बुरे काम कर रहे हो, किसी को कोई टीवी देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे बैठा है, कोई दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, कोई नशे की लत में पड़ा हुआ है अभी भी, किसी को ये है कि यार मतलब सिगरेट ही पीनी है, सिगरेट पीने में लगा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, जितनी भी बुरी चीजें हैं ना वो क्यों अट्रैक्ट करती है, इंस्टेंट प्लेजर देती है, इंस्टेंट प्लेजर विदाउट हार्ड वर्क। अगर आप सिगरेट की बात करो या किसी भी ऐसे एडिक्शन की बात करो, वो आपके दिमाग को ना इंस्टेंट प्लेजर दे देता है। कोई भी आप बुरी एक्टिविटी कोई भी सोचो, आपको किसी भी तरह का एडिक्शन हो, किसी भी तरह का एडिक्शन, कहीं से यहाँ पे कई बच्चों को उनको पॉर्न एडिक्शन होगा, तो ये जो पॉर्न एडिक्शन है, ये नशे का एडिक्शन है, जितनी भी चीजें ना आपको इंस्टेंट, अरे बड़े हो तुम लोग यार, वहां से बाहर निकलना है ना, अपने को बाहर आना, तो वो ना इंस्टेंट प्लेजर दे देता है दिमाग को, इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन विदाउट एनी हार्ड वर्क, और अपना दिमाग बड़ा खुश होता है यार कि मेहनत भी नहीं की प्लेजर भी मिल गया। बट बेटा एक चीज ये समझो, इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये डेविल की डील होती है आपके साथ, ये जो इंस्टेंट प्लेजर आप सोचते हो कि इंस्टेंट प्लेजर मिले, कहीं भी हो सकता हो यूट्यूब पे आपको किसी का व्लॉग देख के इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा हो सकता है, आपको कोई मूवी देख के इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा हो, कई जगह हो सकता है ये इंस्टेंट प्लेजर। बेटा जितने भी ये इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें, जितनी भी इंस्टेंट प्लेजर वाली चीजें हैं, ये आप मान के चलो कि इसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट छुपा होता है, वो आपके साथ एक समझौता करता है, आपको लगा बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला, बिना हार्डवर्क के आपको प्लेजर मिला, जैसे सोच लो कि बिना पैसे कमाए मैंने आईफोन खरीद लिया, बिना पैसे कमाए, तो डेफिनेटली आपने उसके लिए किडनी बेची होगी, डेफिनेटली कुछ अंदर हुआ होगा, है ना, इक्वेशन कहीं बराबर ही होगी। तो जब भी आप इंस्टेंट प्लेजर ढूंढते हो दिन भर में अपने, अब जैसे सोना भी एक इंस्टेंट प्लेजर है कि यार सो जाते हैं, 8 घंटा सो रहे हैं, 10 घंटा सो रहे हैं, 12 घंटा सो रहे हैं, या प्लेजर ढूंढ, आपको मजा मिल रहा है, पड़े हुए हैं, कूलर चला लिया सामने पड़े हुए, एसी चला लिया सामने पड़े हुए हैं, बैठ के सो गए, इंस्टेंट प्लेजर जब भी आपको मिलेगा तो उसके अंदर एक डेविल्स एडवोकेट होगा जो आपके साथ एक सौदा करता है, उस सौदे में आपको क्या मिलेगा ये तो पता है, पर आपका क्या जाएगा वो आपको कभी नहीं, बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है कि इस प्लेजर के लिए क्या लूज हो गया। द इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड, फिजिक्स इज ऑलवेज बैलेंस्ड, द इक्वेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड। तो जब भी आपको लग रहा है किसी एक काम से आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है और उसके बदले मेरा कुछ नहीं जा रहा है, अपने अंदर झांक के फिर देखना, ढूंढना, तुमको समझ में आएगा क्या जा रहा है। तो वो डेविल ना आपके साथ एक डील करके जाता है, आपको इंस्टेंट प्लेजर देता है और आपसे आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके जाता है। जैसे इस समय अगर आप डेविल के चक्कर में पड़े और आप ये भूल गए कि वो डेविल आपके साथ क्या समझौता किया, तो ये सोचना वो लाइफ से क्या लेके जा रही, और जब सोचना तो अपने दिमाग में इमेजिन करना है कि एक डेविल है, एक्चुअल में एक डेविल है, ऐसा सोचना, और वो तुमसे समझौता करता है हर बार, और हर बार तुम उसके लालच में फंस जाते हैं। टेस्ट ना देना इंस्टेंट प्लेजर, बच जाना, डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स ने उधर से क्या एडवोकेसी कर रखी है, तुमसे क्या सौदा कर रखा है डेविल ने, ये टेस्ट नहीं दे रहा है, इसकी सिलेक्शन तो गया, इसका गया सिलेक्शन, कर रहे हो जम के करो, पढ़ो अभी जम के पढ़ो अभी, तो जम के पढ़ो, लाइफ में जम करो, फुल करो लाइफ में, कोई भी चीज हाफ हार्टेड मत करो, पागल लोग ऐसे